अरे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि यहाँ पे अब आपके फाइनल एग्ज़ाम में मात्र 4 दिन बच गया है। ठीक है, आज को छोड़ करके 4 दिन है और अभी आपका शानदार सी छुट्टी भी हो गई है। गुड फ्राइडे का छुट्टी है, उसके बाद फिर छुट्टी है। तो अब आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको शानदार और धुआंधार वाली मेहनत करनी है। ये सेट 3 है इंग्लिश का। 2 अप्रैल 2024 को आप सभी का इंग्लिश का एग्ज़ाम है और उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। और यह इंग्लिश का क्वेश्चन सेट 3 है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा ये प्रश्न करने वाला है। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर एक पोएम है वी आर द वर्ल्ड, इसके पोएट कौन है? विकल्प दे रखा है डेविड रॉथ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एजर अगेस्ट या एनोन मश। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा एनोन मश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देता है, वाई वाज द सॉन्ग राइटर, यह सॉन्ग क्यों लिखा गया है? विकल्प दिया गया है टू रेज मनी फॉर द फेस्टिवल, टू रेज मनी फॉर द पीपल ऑफ इथोपिया, फॉर चैरिटी पर्पस, टू हेल्प द फ्लड विक्टम। यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, टू रेज मनी फॉर द पीपल ऑफ इथोपिया। ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हेन कैन अ चेंज ट्रूली कम, कब वास्तव में बदलाव आ सकता है? When all stand together as one, when we think the ourselves, when we think the same thought we other। यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, जब हम सभी एक साथ आएंगे तभी यहाँ पर बदलाव आ सकता है। ऑप्शन ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, whom should we lend a hand of life, द नीडी पर्सन, द पुअर पीपल, द डाइंग पीपल, द ऑर्फेंट्स। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, द डाइंग पीपल। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हु वेयर गोइंग टू अ ट्रिप, कौन यहाँ पे ट्रिप में जा रहे हैं? सी साइड स्कूल स्टाफ्स, सी साइड स्कूल टीचर, देयर पेरेंट्स, सी साइड स्कूल चिल्ड्रेन। बताएंगे बच्चा यहाँ पर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, सी साइड स्कूल चिल्ड्रेन, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु वेयर गोइंग ऑन अ ट्रिप, कौन यहाँ पे ट्रिप में जा रहे हैं? मैन, वुमेन, स्टूडेंट या नन ऑफ दिस। बताएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है वो ट्रिप पर जा रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नाइट द चिल्ड्रेन टुक टर्न्स टेलिंग, रात में बच्चे क्या सुनना या क्या कहना पसंद करते हैं? डेविल स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, फनी जोक, नन ऑफ दिस। तो भूतों की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज, बहुत मज़ेदार कहानियाँ सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन वाट सीजन डिड द चिल्ड्रेन गो टू द पिकनिक, किस मौसम में बच्चे पिकनिक पे जा रहे होते हैं? विंटर, समर, रेनी, नन ऑफ दिस। तो समर वेकेशन में, तो बी हो जाएगा, समर सीजन। हाउ डिड द चिल्ड्रेन गो टू टॉय स्पा, टॉय स्पा बच्चे कैसे जा रहे हैं? बाय शिप, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन। तो दोनों से जा रहे हैं, बाय शिप एंड बाय ट्रेन। तो दोनों ही विकल्प हो जाएगा, ए और डी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ लॉन्ग डिड द चिल्ड्रेन स्टे एट टॉय स्पा, टॉय स्पा में बच्चे कितने दिन रुकते हैं? 3 days, 4 days, 5 days, नन ऑफ दिस। यानी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, 3 days। तो बच्चा यह था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए अब हम जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को आप लाइक ज़रूर करते चलिएगा।
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया है व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे, डे के अंतिम दिन या डे के आखिरी में क्या होता है। तो लिखेंगे सडनली डैडी फेल इनटू द पोंड एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में डैडी अचानक से तालाब में गिर जाते हैं और इससे सभी कोई रोमांचित हो जाते हैं, है ना। टिमोटी खड़ा होकर नाचने लगता है, गार्डनरर पैरों पर थपकिया देने लगता है और लेखक जल्दी से बोलता है कि कैमरा लाओ। इस प्रकार सभी कोई खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है व्हाई डिड द एथलीट्स हेल्प द स्मॉलेस्ट बॉय इंस्टेड ऑफ डैशिंग फॉर द फिनिश लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर में बच्चा द एथलीट्स आर कॉल्ड रिजॉल्व एथलीट्स बिकॉज दे वेयर सेलेक्टेड टू रन द 100 yard डैश रेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विथ इन द सेकेंड स्टेंजा। यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में जो पोएट है वो फ्रेंडशिप की तुलना किससे कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट से द दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर ग्लोरी ओनली द विलिंगनेस टू ओवरलुक स्मॉल फॉल्ट रिवार्ड एफर्ट एंड पिटी दोज हु नीड हेल्प। लिख लीजिएगा, नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर फोर व्हाई इज, तो क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चा व्हाई इज अक्टूबर द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी, मसूरी घूमने के लिए अक्टूबर बेस्ट टाइम क्यों है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी, मसूरी विजिट करने के लिए अक्टूबर बेस्ट टाइम है। दिस मंथ द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहलियास द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन विच लाइन ऑफ द स्टोरी शोज दैट द गर्ल डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीस। किन वाक्यों से, किस लाइन से यह पता चलता है कि उस लड़की को लंबी यात्राएं पसंद नहीं थी। तो लिखेंगे थैंक गॉडेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी आई कैंट बियर सिट ऑन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डू वी नो दैट द पोएट वाज इंचेंटेड बाय हर सॉन्ग। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट सेड that I could not forget that song when I reached home, those songs were still ringing in my ears। तो ये था very 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 important questions का set 3। यदि आपने set 1 और set 2 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए बच्चा, very very important है। जल्दी ही set 4 अपलोड होगा तो आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।